ये जो स्ट्रक्चर है ये OWS है, ऑयल वाटर सेपरेटर, और हमारे साथ है मिस्टर आरान जो कि अभी हमको बताएंगे इसके बारे में, सारी जानकारी देंगे कि इसमें ऑयल कैसे सेपरेट किया जाता है पानी से, जो अप्रॉन में एरोप्लेन में जो पानी या सफाई का पानी जो निकलता है उस पानी के अंदर से ऑयल को निकाला जाता है और पानी को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे जो ओपनिंग है ये इनलेट है और उस तरफ में आप देखेंगे तो ये आउटलेट है। तो बताइए साहब कैसे कैसे होता है, ये चेंबर है अंदर जाने के लिए, फ्यूचर में इसका साइज़ क्या है? 900x900 का साइज़ है इसका, और इसके नीचे एक स्लैब है, उसके नीचे और एक राफ्ट है ना, ये टू फ्लोर का है। अच्छा, वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं ये वाले को? ये स्कीमर। स्कीमर, ऑयल स्कीमर, स्कीमर। इसमें ऑयल कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट करके हम लोग उधर लेके जाते हैं ना, टैंक में आता है। ओके गुड। और ये क्या जो लगी हम प्लेट है? फिल्टर प्लेट पैक। अरे वाह, ये तो जिंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, आप लोग भी देख लो। इसका यूज़ क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है? ये ऑयल से वाटर को निकाल देते हैं, ऑयल से वाटर को अलग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर से ये जो इसमें ऑयल कलेक्ट किया जाता है, इसकी प्रोसेस बताइए थोड़ा कैसे आता है? एंट्री होगा कहाँ से? यहाँ से एंट्री होगा, इनलेट से। ओके, इनलेट से एंट्री होगा। ओके, वहाँ पे जो एक दीवार ऑलरेडी बताया था, इसके अंदर दीवार डाली हुई, इसके नीचे दीवार है, इसके नीचे जो इसको आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, अच्छा ये जो ओपनिंग है इसमें से मतलब ये नीचे रहेगा ओपनिंग? ओके, नीचे ओपनिंग है, उधर में वाल है ना। ओके, वाल से इसके अंदर देखिए वाल होगा, वाल में अंदर वाल होगा, उसमें से पानी उसी साइड में रहेगा नीचे में, ओवरफ्लो होकर वायर इस तरफ आएगा ना। और ये बीच में क्या बना है, ये जो सलिया जहाँ पे कंक्रीट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक बीम आएगा, हाँ, इसके ऊपर में फायर टेंडर जाने के लिए। अच्छा, फायर टेंडर के लिए आप इसे जाते हैं, उसके लिए डिज़ाइन किया गया। ओके, ये जो स्लोप है ये राफ्ट है क्या? राफ्ट है ना वाल का। ओके बढ़िया, अरुण जी आपने बहुत मेहनत किया, सही में। अच्छा, ये जो होल छोड़े इसका पर्पज़ क्या है? ये मतलब जो फ्लो है ना, फ्लो का टर्बुलेंस को कम करने के लिए। जो फ्लो आएगा उसका टर्बुलेंस कम करता है। ओके, तो इसके अंदर अभी तीन पार्ट होगा ना, एक दो और इसके ऊपर का तीन, इसमें इधर से पानी, उधर भी पानी रहेगा, उधर भी पानी रहेगा, ये पूरा भरा रहेगा, ये भी स्लैब आएगा, पूरा भरा रहेगा, ये भरा रहेगा, इसमें ग्रेटिंग आएगा। अच्छा, ग्रेटिंग आएगा, हाँ। और इधर में भी पानी रहेगा, इधर में भी पानी रहेगा, ऑयल इसके अंदर कनेक्ट कलेक्ट हो जाएगा, इधर में भी पानी रहेगा, इस तरफ में भी पानी रहेगा। ओके, और ये कितने ओपन, ये जो दिए है फायर टेंडर लोडिंग के लिए है ना, हाँ। ये ढक्कन दिए है चेंबर 900x900 के, कितनी ओपनिंग्स है टोटल? टोटल ये ओपनिंग 11 है, 11 ओपनिंग्स, हाँ, ये जो चैम्बर से 12 है। अच्छा, और इसका साइज क्या है? इनर वॉल से और 63.9 इसका लेंथ है यहाँ से इतना, इस तरह से ये ऑयल वाटर सेपरेटर है। इसका पहला पार्ट देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, उसमें आपको वॉल भी दिखाई देगा। तो इसको जो ये इस लंबा, इसको एक्स्ट्रा क्यों बनाया? ये स्लज कलेक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह आएगी, हाँ, वो सिल्ट आएगा, ये सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और इसके आउटलेट भी दिया है, इनलेट है, आउटलेट फिर कैसे क्लीन? इधर से मतलब इतना ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब एकदम नाक के बराबर। ओ माय गॉड, देखिए ये आप देख सकते हो इसके हाई कितना डेप्थ है, ये 6 मीटर ग्राउंड लेवल से 6 मीटर, और ये हम जहाँ खड़े यहाँ से जाते गहरे तो ज़्यादा लग रही है, 6 मीटर टोटल कितनी यहाँ से स्लैब से? यहाँ से 6 मीटर, वो तो ज़्यादा गहरा दिख रहा है यार, ऐसे लगेगा लेकिन नहीं है। ओके, 6 मीटर ज़्यादा होगा ना। ओके, अच्छा 6 मीटर बोले, साइड का 18 फीट है, 18-20 फीट है। अच्छा, इसको देखिए बिटुमेन पेंटिंग भी किया जाता है पूरा बढ़िया से, ये देखिए कितना बेहतर काम किया गया है,
अरन जी, मिस्टर अरन आपने बहुत अच्छा काम किया है, गुड। और ये साइड में क्यों कटिंग कर रहे हैं तुम? इसमें ये जो स्लज के लिए ना, कलेक्शन हाँ, के लिए पाइप लगाना था। ओके, वो पाइप स्ट्रक्चर का खत्म, ये पाइप लगेगा अभी स्लज कलेक्शन के लिए। ओके गुड, उसके लिए इसका हाइट कितना होगा यहाँ से बॉटम से? इसका हाइट राफ्ट फुटिंग से हाइट टोटल 4.44 फुटिंग से 4.44 ये 6.44 टैंक वाला 6.44 है, वो वाला 4.44 है। बहुत बेहतरीन बना है आपने। अब इसका ढक्कन वगैरह रख के कब कंप्लीट करेंगे? नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। गुड, ये किस लिए ओपनिंग दिया है? तो ये वॉल के लिए, ये वॉल डालेंगे यहाँ पे वॉल। अच्छा, ये येलो कलर का क्या है? ये वेंटिलेटर का। अच्छा, वेंटिलेटर, देखिए वेंटिलेटर की भी जुगाड़ करके रखा है, किसी भी तरह से कोई लेबर के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए सारी चीज़ें की जाती है। चलिए, इस तरह से ये OWS का काम होता है। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।